गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 2013 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। 2013 3 मार्क्स कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को पहले समझेंगे क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। शो दैट cos स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर नाइनटी माइनस थीटा इक्वल टू cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर नाइनटी माइनस थीटा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेंगे, टेकिंग LHS साइड ले ली। अब देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर नाइनटी माइनस थीटा। अब देखो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्वेश्चन के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। हमें पता है cosec क्या होता है, 1/sin, और tan क्या होता है, sin/cos। मतलब दोनों में से नीचे से cos हटाना पड़ेगा तभी तो हमारा sin sin आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, cosec को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टेन नाइनटी माइनस थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या हो गया, 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर नाइनटी माइनस थीटा। अब देखो ये हम यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, नोट डाउन करो इतना जल्दी से देख लो नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये दोनों कट के क्या आ गए, 1। मतलब LHS की वैल्यू मेरी कितनी आई, 1। अब सिमिलर वे में मैं RHS को अगर 1 लिख दूं तो आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पर क्या दिया हुआ है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर नाइनटी माइनस थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहा, अब इस पूरे को साइन नाइनटी माइनस थीटा को मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आइडेंटिटी कितनी हो गई, 1। मतलब RHS और LHS मेरे दोनों क्या गए बराबर, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, LHS इक्वल टू RHS। आई बात समझ में, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है और कैसे सोल्व करना है, देखो इसमें दोनों पार्ट सोल्व करने हैं, ठीक है, अच्छे से समझो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर है ये 2013 में 3 मार्क्स से आया हुआ, 3 मार्क्स के लायक इसमें देखो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आपको क्या समझना है, आप यहां तक स्ट्राइक ही नहीं कर पाओगे कि दिमाग हो क्या रहा है, आप कुछ 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 करते रहोगे और आपको आइडिया नहीं होगा। आइडिया समझ में आपको कैसे लिखना है, बस यहाँ पे टेन नाइनटी माइनस थीटा और साइन स्क्वायर नाइनटी, वैसे इसका मतलब कुछ है नहीं, हमें पता है टेन नाइनटी माइनस थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, और साइन नाइनटी माइनस थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। बस आपको थोड़ा उलझाने के लिए, उन्होंने परेशान करने के लिए एक स्टेप थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन वो खोल के दे दिया ताकि आप समझो। कोई दिक्कत, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं तब तक।